देखिए दिग्विजय सिंह जी विघटन की राजनीति करते हैं और उन्हें एक नया, मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें लोगों को झगड़ा कराने में ही संतोष मिलता है और ऐसे ही लोगों को विघ्न संतोषी कहते हैं, जो विघ्न उपलब्ध कराते हैं, उपस्थित कराते हैं और वो जो संतोषी होते हैं वही विघ्न संतोषी होते हैं। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के बयानों पर हम टिप्पणी करके अपनी समय बर्बाद करना बंद करें। देखिए दिग्विजय सिंह जी तो विघटन की बातें करते हैं, अपने को सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बात करना, बिना किसी तथ्यों पे बात करना, ये दिग्विजय सिंह जी की आदत है। भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है कि पंचायत चुनाव में हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं और यही हमारी मंशा। कांग्रेस ने टंगड़ी अड़ाई थी और जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी विधानसभा में वक्तव्य दे चुके हैं कि हर वर्ग का विकास, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। पिछड़ों को भी आरक्षण मिले, एससी एसटी का भी संरक्षण हो और निर्धन सामान्य वर्ग के लोगों का भी संरक्षण हो, यही हमारी रीति नीति है। और हमने पहले ही कहा है कि पंचायत के चुनाव हम पिछड़े आरक्षण के साथ ही कराने के पक्षधर हैं।